सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात करने वाली हरियाणा पुलिस ही जब हरियाणा में शिकायतकर्ताओं को शिकायतें वापस लेने के लिए धमकाने या उन पर दबाव बनाने लगे तो फिर आखिरकार हरियाणा में शिकायतकर्ताओं को इंसाफ कैसे मिलेगा। ये बड़ा सवाल हम इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि हरियाणा में एक ऐसा ही मामला सामने आया है और मामला नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि एक व्यक्ति ने सुरजेवाला के खिलाफ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को और उससे पहले पुलिस को एक शिकायत दी है कि सुरजेवाला ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ धोखाधड़ी की है, लेकिन हरियाणा की पुलिस कद्दावर नेता के खिलाफ जांच करने या फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय उल्टा शिकायतकर्ता को ही दबाने में जुटी हुई है कि वो पुलिस को ये लिखकर दे दें कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और मामले में किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते। तो ये बड़ा सवाल जो है बड़ा ही वाजिब भी है कि आखिर जब हरियाणा में सेवा सुरक्षा और सहयोग की बात करने वाली पुलिस शिकायतकर्ताओं पर दबाव बनाने लगे, उन पर ये प्रेशर बनाने लगे कि आप शिकायत वापस ले लीजिए, तो फिर जनता को इंसाफ आखिर कैसे मिलेगा। ऐसे में इस मामले में आपको बता दें कि अब शिकायतकर्ता एक बार फिर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के निवास पर जा पहुंचे हैं क्योंकि जब भी कोई ऐसी घटना होती है तो लोगों को इंसाफ के लिए सिर्फ अनिल विज का दरबार ही नज़र आता है और जब भी ऐसा कोई मामला सामने आता है तो विज एक बार फिर बड़ा एक्शन लेकर लोगों के मसीहा बनते हुए नज़र आते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही कुछ हुआ है, लेकिन शिकायतकर्ता की क्या शिकायत है वो एक बार आपको सुनवा देते हैं। सर, मैंने एक साल पहले है ना रणदीप सिंह सुरजेवाला वो उसके साथियों के ख़िलाफ़ पुलिस स्टेशन सेक्टर 5 पंचकुला में शिकायत दी थी, लेकिन 10-11 भी नहीं कोई जांच शुरू नहीं हुई थी। अब मेरी शिकायत पर आधिक अपराध शाखा पंचकुला राजीव मिगलानी इंस्पेक्टर के पास शुरू हो रही थी और राजीव मिगलानी इंस्पेक्टर ने मेरे को 26/10 को बुलाया था और मैं अपने बयान भी दर्ज करवाया था। फिर मेरे को 30 तारीख को बुलाया, 30 तारीख को उन्होंने मेरे ऊपर एक वो क्या बोलते कागज़ पर लिख रखा था कि मैं रणदीप सिंह सुरजेवाला व उसके साथियों के खिलाफ जो भी सीएम विंडो में वैसे भी कंप्लेंट दे रखी है सभी मैं वापस लेता हूं और आर्थिक अपराध शाखा की जांच से मैं संतुष्ट हूं, जिस पर मैं साइन करने से मना कर दिया। फिर मेरे को आईओ राजकुमार ने बोला साइन तो आपको करने ही पड़ेंगे, नहीं तो हम आपको 15 दिन के बाद बुलाएंगे। इसी शिकायत को लेकर मैं आज माननीय श्री अनिल विज गृह मंत्री जी से मिला था और माननीय गृह मंत्री जी को बताया कि आईयू की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है इसकी। फिर माननीय गृह मंत्री जी ने सीपी पंचकुला को लिखित में आदेश दिए हैं कि राजीव मिगलानी इंस्पेक्टर वह आईओ के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करे और रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ जो कंप्लेंट दे रखी है उस पर नई एसआईटी तुरंत गठित की जाए। तो सुना आपने कि जब इस व्यक्ति ने रणदीप सिंह सुरजेवाला के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी तो पुलिस इसे जबरन साइन करने के लिए कह रही है कि आप अपनी शिकायत वापस लीजिए, आप कोई कार्रवाई नहीं चाहते। लेकिन अब इस मामले को गंभीरता से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लिया है और विज ने पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को एसआईटी बनाकर पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं और इसके साथ साथ विज ने उन पुलिसकर्मियों पर भी कार्रवाई की बात कही है जो शिकायतकर्ता पर दबाव बना रहे थे मामला वापस लेने के लिए। विज ने क्या कुछ आदेश दिए हैं आपको विज की जुबानी ही सुनवाते हैं। सुरजेवाला की एक शिकायत आई थी, शिकायतकर्ता को जो है वो जांच कमेटी आपने बनाई, उसके अधिकारी जो है वो धमका रहे हैं, यानी शिकायतकर्ता को धमकाया जा रहा है, इंसाफ कैसे मिलेगा? नहीं, मैंने सीपी पंचकुला को आज लिखा है कि वो ऐसे धमकाने वाले जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें और इसकी एक एसआईटी बना के जांच की जाए। हरियाणा में ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब शिकायतकर्ताओं पर पुलिस ने मामला वापस लेने का दबाव बनाया हो, लेकिन इस बार मामला कांग्रेसी नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला से जुड़ा हुआ है तो ये मामला राजनीतिक मायनों में भी काफ़ी बड़ा बन जाता है। ऐसे में गृह मंत्री अनिल विज ने अब मामले में संज्ञान लिया है और पंचकुला के पुलिस कमिश्नर को कार्रवाई के आदेश दिए हैं, तो देखने वाली बात यही होगी कि मामले में आखिर कब तक कार्रवाई होती है और जांच में पुलिस की क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अपडेट आपको देते रहेंगे, जुड़े रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज़ की ऐप भी डाउनलोड कीजिए।